जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव। महापुराण की कथा कहती है 16 श्राद्ध चल रहे हैं, प्रयास करिएगा अपनी जिंदगी में। मान लो कोई काम आपका अटक रहा है और वो काम नहीं हो रहा, मान लो वो काम नहीं हो रहा, रिटर्न बढ़ा हुआ, वो काम नहीं हो रहा, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हो और काम अटका पड़ा हुआ है, तो प्रयास करना। कोई काम अटक रहा है, शहद जल के पात्र में डालिए और थोड़ा सा गंगा जल डालकर इसी श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन जब तुम्हारा मन पड़े तब शंकर जी को समर्पित कर करो, और साथ में एक लोटा पानी एक कलश जल का अलग से लेकर जाओ। जब शहद का जल शंकर जी को समर्पित कर दो, उसके बाद सादा जल शंकर जी को अवश्य समर्पित कर दो। शहद का जल बांधाओं को हर लेता, बांधा को हरता। हम तो कई बार बच्चों से कहते हैं, अगर कोई बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ रहा है, इंटरव्यू दे रहा है या कोई एग्जाम में नहीं निकल रहा है, तो प्रयास करना, जल के पात्र में थोड़ा सा शहद गंगा जल उसमें डालकर, ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है जिस समय पर, जिस श्राद्ध पक्ष के अंतर्गत, श्राद्ध पक्ष में एक पात्र में जल, में जल लेकर उसमें थोड़ा सा शहद गंगा जल डालकर भगवान शंकर को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर, क्योंकि विदल और उत्पल इन दोनों असुरों ने, राक्षसों ने जब बहुत उपद्रव मचाया, माता जगत जननी के कहने पर कुंदुक का प्रहार कर इन दोनों राक्षसों का संहार करा था, उनका नाम कुंदकेश्वर पड़ गया था। एक प्रयास और करना, छोटा सा प्रैक्टिकल करने में क्या जाता, दुकान पर ग्राहक नहीं आ रहे ना, आधा घंटा हो गया कोई ग्राहक नजर नहीं आया, फालतू बैठे हो ना दुकान पर, जब ग्राहक नहीं आता तो फिर तो एक काम करो, कोई भी जरा सा हाथ में पानी लेकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 51 बार 21 बार बोलकर 11 बार बोलकर वो पानी को दरवाजे पे छीट दो, आधा घंटा ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट, आधा घंटा 30 मिनट नहीं लगेंगे, ग्राहक प्रवेश करना खड़ा प्रैक्टिकल करने में क्या जाएगा। अब ई मैंने घटा तुम्हारा कि पानी घट गया, कि बोलने से कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेने से जीवन घट गई, कुछ घटा, फायदा तो तुम्हारे ही हुआ।